हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से शुरू। तो आप देख सकते हो कि अभी घर में जो है अंधेरा हो रहा है। अभी हम बाहर वाले ही लिविंग रूम में सोते हैं, और क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और डायरेक्ट जो सुबह जो उसकी सन की जो रोशनी आती है ना, बिल्कुल कमरे में आती है, तो उसकी वजह से जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पर्दे को ना थोड़ा सा मैंने ढक दिया है, क्योंकि और एक कोने से मतलब किसी चीज़ से अटका भी दिया है, क्योंकि आरना सो रही है तो थोड़ी सी भी रोशनी उसको लगी ना तो वो उठ जाएगी, और जो मेरा काम है सुबह का वो मेरा रह जाएगा और लेट भी हो जाएगा। तो अभी आरना और आरना के पापा सो रहे हैं, और रात को मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि मेरे कमर में ना दर्द हो रहा था, इसलिए आज मेरी आँख जल्दी खुल गई है। तो 7:15 का टाइम हो रहा है, तो बस अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर और सोच रही हूँ कि फटाफट से काम करके ना मैं सो ही जाऊँगी। तो बस यहाँ सारा समेट रही हूँ मैं, और आरना के टॉय वगैरह भी थे तो रात को खेल रही थी, खेलते खेलते वो सो गई थी। और बस मैं रूम में आई हूँ तो आप रूम की हालत देख सकते हो, अभी ऐसी हो रही है क्योंकि रात को क्या था ना कि आरना आई होगी तो उसने थोड़ा सा चादर वगैरह बिखेर दी थी। तो मैंने सोचा कि ना काम शुरू करने से पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत हो रही है, बारिश पड़ नहीं रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो मैंने बालों को खोल के और बालों मतलब जूड़ा बना लूँगी ऊपर तक, और गर्मी नहीं लगेगी तो काम करने में आसानी भी रहेगी। तो सबसे पहले मैं जाके मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मशीन में सॉरी जो कपड़े हैं ना मेरे बहुत ज़्यादा है, तो सोचा जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं ना तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन ही लगाती हूँ, तो बाकी के सारे काम ख़त्म करती हूँ। बस मेरे जो कपड़े हैं वो अब वॉश होते रहेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद फिर जाती हूँ मैं बेडरूम में, थोड़ी सी बेडरूम की हालत को ठीक करती हूँ। खैर वैसे तो मैं हमेशा ही करके सोती हूँ रात को, बट कभी कभी हो जाता है ना कि मन नहीं करता है, तो और जल्दी भी उठ गई थी तो सोचा चलो लगे हाथ फटाफट कर भी देती हूँ। तो अच्छे से समेट के और चादर वगैरह ठीक करके तो फाइनल फिर मैं लगाऊंगी, झाड़ू लगाती हूँ फिर। तो रूम से झाड़ू लगाती हुई मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, और जो मोटा मोटा कूड़ा है ना, जैसे ये रैपर है और जो भी मोटा मोटा जो कूड़ा होता है वो मैं अंदर ही उठा के फेंक दूँ, अंदर ही उठा के ही रख लूँगी, और जो मिट्टी हो जाएगी वो बाहर तक कर दूँगी। और आप सबको मैंने बताया था कि जो बाहर से जो काम करने वाली आती है वो कभी कभार ही आती है, इसलिए मैं बाहर से मतलब इतनी सीढ़ियाँ मैं साफ़ कर देती हूँ, बस पानी से साफ़ नहीं करती हूँ, पानी से अपने गेट के बाहर ही साफ़ करती हूँ बस यहाँ मैं झाड़ू लगाने के बाद। और फिर मैं जाती हूँ डस्टिंग करती हूँ, और अभी ये दोनों सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, और आप देख सकते हो ना कि रूम में अभी तक धूप है और टाइम हो रहा है 7:30 ही बज रहे हैं अभी तो, और धूप इतनी तेज़ आती है ना इसलिए अभी हम सो नहीं रहे हैं। थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना तभी इसमें इधर आके सोएंगे, क्योंकि आना ना पता है कभी 6 बजे उठ रही है, जब हम यहाँ सोते थे बेडरूम में तो कभी 6 बजे उठ रही है, कभी 6:30 हो रही है, उठे 9 बजे उठ रही है, ऐसे उठती थी वो। और बस यहाँ मेरे सारी डस्टिंग होकर, तो पूरे घर की डस्टिंग करके फिर मैं बाहर वाली बाहर जो मेन गेट है वहाँ के जाके सफाई करूँगी, क्योंकि गेट को भी साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हवा तो चल नहीं रही है बट वही है ना कि धूल तो पता नहीं क्यों मुझे गेट ही उसका कलर ही ऐसा है ना, तो धूल मुझे बहुत आसानी से दिखाई दे जाती है, तो इसलिए तो खैर इसको तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ फटाफट से साफ़ करके। और उसके बाद जाती हूँ बालकनी को साफ़ करती हूँ, क्योंकि बालकनी भी अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी ना तो वहाँ बालकनी को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो सोचते हो कि ना कि वैसे इतनी धूप है नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि जब धूप आती है ना तो एकदम चमक वाली एकदम तेज वाली, और अभी पीली पीली सी धूप है, येलो येलो सी ना, तो अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग ही नहीं रही है, बट इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले बालकनी को कर लेती हूँ साफ़, उसके बाद जाके मैं घर में पोंछा लगाऊंगी।
और मैं बना रही लंच में बैगन, चने की दाल। जो चने की दाल है मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे, तो अच्छे से ये भीग चुकी है। और वैसे तो मेरा बैगन का भरता बनाने का मन था खाने का भी, तो फिर मैंने सोचा कि कई कीड़े ना निकल जाए, इससे अच्छा है ना काट के बना लो, कहीं बैगन ही हम कीड़े ही खा ले। और आपको एक चीज बताऊं, शराब के बाद ना, शराब खत्म होती ना नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ना भी यही बात कर रहे थे कि हम श्राद्ध मतलब नवरात्रि शुरू हो गए होते हैं और हम पूजा कर रहे होते हैं, तो व्रत वगैरह होता आज हमारा, तो ये कह रहे थे कि ना ऐसा 165 साल बाद ऐसा हुआ है कि जो श्राद्ध है वो उसके बाद नवरात्रे नहीं आए हैं, तो 65 साल बाद ऐसा दिन आया है। पता नहीं ये 2020 भी कैसे कैसे दिन दिखा रहा है, बहुत मनुष्य तो नहीं कहूंगी मैं कि बहुत बेकार साल है ये वाला, बहुत बेकार है। नहीं तो हम तैयारियां कर रहे होते, और जब मैं सब पता हूँ जब नवरात्र आते ना तो मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई त्योहार है, हम अपने घर में त्योहार मना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मैं बना लेती हूँ, और देखो आपको लग रहा है अजीब सा ये, तो कहीं देखती हूँ काट के कहीं ये इसमें कीड़े ना हो। और बाहर इतनी तेज धूप है ना, कपड़े डाल कर आ रही थी मैं तो बहुत तेज धूप है, ऐसा बीज है मतलब बीज जो है ना पके हुए हैं उसके। और आज मैंने अपना काम जो है जल्दी खत्म कर लिया है, 11 बज रहे हैं, मैंने सोचा चलो मैं लंच भी बना लेती हूँ जल्दी से काम खत्म करके ना, फिर थोड़ा सा मैं सो जाऊंगी, क्योंकि ना क्या कहते हैं रात को ना ठीक से सो ही नहीं थी, मेरे कमर में दर्द हो रहा था तो मैं रात को सो नहीं पाई थी, तो मैं थोड़ा सो जाऊंगी जल्दी से लंच बनाने के, जब लंच बन जाएगा तब मैं सो जाऊंगी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें हींग ऐड कर दूंगी, और हींग जब अच्छे से ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी जीरे को, तो जीरा अच्छे से भून जाएगा ना, इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, और लहसुन को मैंने जो लहसुन लिया ना थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, अच्छा लगता है सब्ज़ी में, तो जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा ना लहसुन, तब मैं इसमें प्याज को डाल दूंगी जो कटी हुई रखी हुई है, और ये एक प्याज है और एक ही टमाटर है, तो बस जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर को, और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी ताकि जो टमाटर है ना जल्दी से गल जाए। वैसे तो मैं हमेशा बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, बट आज मेरा मन था कि बैंगन चने की दाल डालकर बनाती हूँ, तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और हल्दी, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर दिया है, तो बस अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको, और फ्राई जब हो जाएगा तब ये चने की दाल डाल दी है, और इसके बाद डाल दूँगी बैंगन को, तो अच्छे से उसको मिलाने के बाद इसमें मैं पानी को ऐड कर दूँगी और ढक के रख दूँगी, और जब बन जाएगा तो गर्म मसाला डालकर तो मेरी सब्जी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। और इसके बाद खाना पीना हो चुका था हमारा, खा लिया था, तो दोपहर का 2:30 ही बजने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी जाके उतार लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है धूप भी चली गई है और टाइम भी हो ही गया है कि कपड़े उतारने का, मैं ज़्यादा देर तक कपड़े रखती नहीं हूँ, तो जैसे ही धूप चली जाती है तो निकाल लेती हूँ, और ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा तेज़ धूप है तो फिर मैं उतार लेती हूँ कपड़े तुरंत, तो उतारने के बाद इसको बेडरूम में रख दूँगी और जाके फिर बैठती हूँ आराम से। बस
बाल खुल जाते हैं, ये देखिए फिर खुल गए। तो अभी मैंने तो आधे कपड़े लेकर आई हूँ और आधे अभी उस वाली बालकनी में सूख रहे हैं, उसको मैं बाद में लेकर आऊंगी। बाद में क्या मतलब अभी उतार के ले आऊंगी। और पता क्या, मैं सोने के लिए जा ही रही थी पर आर ना सोने रही है और ना वो सो रही है, ना उसने मुझे सोने दिया। और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 2:45 बजने वाले हैं, 10 मिनट है हाँ, तो 2:30 मान लीजिए, 2:30 का टाइम हो रहा है। तो धूप चली गई थी, मैंने चलो कपड़े भी उतार लेती हूँ। और इसलिए ज्यादा मुझे फायदा लगता है कि सुबह सुबह ही कपड़े धो लो, और क्योंकि बालकनी में 2 घंटे धूप रहती है, 2-2.5 घंटे धूप रहती है, तो फटाफट सारे कपड़े सूख जाते हैं। आधे मैंने उतार लिए थे और आधे रह गए थे, तो उनकी ताला लगा के तो रख दिया है, उनकी भी ताला लगा के बाकी कपड़े ले आती हूँ। खाना खा लिया है बस, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लेट जाऊँ, वो तो सोएगी नहीं, मैं ही सो जाऊंगी और अपना वीडियो भी एंड करती हूँ। तो बस मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और बाय बाय।